Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस तरह से हमारा निजाम इंसाफ ने चुनौती तो सवाई शर्मिंदगी के हमें कुछ नहीं। नवाज शरीफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में भी मुलजिम करार। साबिक वजीर आजम पर गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के नुमाइंदा जाफिर खान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ 2007 से 2014 तक कैपिटल एफजेडी कंपनी के चेयरमैन रहे। नवाज शरीफ ने जेआईटी में कंपनियों के शेयर होल्डर होने का एतराफ भी किया। नवाज शरीफ के असासों का इंतजाम हसन नवाज संभालते थे। 1989 और 90 में हसन और हुसैन नवाज वालिद की जेर किफालत थे। फर्द जुर्म का मतन मेरे साथ इंसाफ होगा, आप बताएं ये इंसाफ हो रहा है? इंसाफ का खून हो रहा है, कुछ मिला नहीं। एड़ी चोटी का जोर लगाया है किसने? जेआईटी ने। फर्द जुर्म आयद होते ही शरीफ खानदान का मूड मजीद जा रहा न हो गया। नवाज शरीफ ने कहा ये इंसाफ हो रहा है या इंसाफ का खून। गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने की कोई नजीर नहीं मिलती। मरियम नवाज बोली इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल भी तब्दील। 24 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। कराची में खवातीन पर हमले करने वाला कौन? गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। डीआईजी ईस्ट ने सेनेट कमेटी में कहा था कि वसीम कभी कराची आया ही नहीं। कराची पुलिस की अदालत को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वसीम एक माह कबल कराची आया था। डीआईजी ने कमेटी को गुमराह किया या पुलिस ने अदालत को? कराची के टैक्सी ड्राइवर अहमद रबानी को पैसे लेकर सीआईए को हसन गुल के नाम से बेचा गया। अमरीकी सेनेट भी बेगुनाही की तस्दीक कर चुका मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहाई और मदद के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इमरान खान का वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के दौरे पर रवाना। बतौर वजीर खारजा रेक्स टिलरसन का ये जनूबी एशिया का पहला दौरा होगा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मशाल खान कत्ल केस में गिरफ्तार 25 मुलजमान की दरखास्त जमानत पर फैसला आज भी ना हो सका। अदालत अब 23 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंतजामिया ने फीसों में इजाफे का फैसला बिल आखिर वापस ले लिया। पीर से तदरीस बहाल हो जाएगी। एहतजाज के दौरान निकाले गए तुलबा की वापसी के लिए आज अहम इजलास होगा। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवि के दिल में तकलीफ। मुल्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेरे इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक रिपोर्ट्स बेहतर हैं मगर अब भी जेरे निगरानी रखा जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ बटल सेक्टर पर भारतीय फौज फिर आपे से बाहर। सिविलियन आबादी पर फायरिंग शहरी घरों में महसूस। पेशावर में मतनी बाईपास पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर के दरमियान तसादुम में दो अफराद जां बहक और 11 जख्मी हो गए। फालिया में मुसाफिर बस नाले में गिर गई, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी।